हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एस के सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जेपी यूनिवर्सिटी छपरा पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट नामांकन सेशन 2022, नामांकन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना रुपया लगने वाला है, कब से कब तक आपका एडमिशन होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक जगदम कॉलेज छपरा का नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जगदम कॉलेज छपरा बिहार, आप यहां पर देख सकते हैं, यह 12/3/2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें क्या कुछ बताया गया है, चलिए मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूं। इसमें सारी डिटेल आपको बताई गई है। इसमें बताया गया है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022 की प्रथम मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट नामांकन हेतु प्रकाशित की गई है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको यह बताया गया है, चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन दिनांक 12/3/2022 से 24/3/2022 तक लिया जाएगा। नामांकन के लिए चयनित छात्र छात्रा अपना पीजी आवेदन फॉर्म यानी कि जो आप लोग फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट, तृतीय स्नातक का अंकपत्र यानी कि स्नातक पाठ्यक्रम का आपको अंकपत्र चाहिए यानी कि मार्कशीट चाहिए, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, पंजीयन प्रपत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तभी, जैसे कि ST SC OBC जो भी होता है, अगर आपके पास है तो आप लोग उसको जरूर लगाएँ। संकलन करने के पश्चात स्व हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ एटेस्टेड संकाय के छात्र प्रोफेसर डॉक्टर केदार प्रसाद एवं विज्ञान संकाय के छात्र डॉक्टर सोमनाथ झा से सत्यापित कराने के पश्चात अपने संबंधित पीजी काउंटर पर जमा कर पावती रसीद प्राप्त कर लें। फ्रेंड, में ये आपको जगदम कॉलेज के लिए बताया हूँ। फ्रेंड, डॉक्यूमेंट का जहाँ तक बात है, हर कॉलेज में इतना ही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे है कि कितना कितना रुपया लगने वाला है, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। नामांकन शुल्क निम्नवत होगा, प्रायोगिक मुक्त विषय यानी कि कला तथा विज्ञान, इसमें आपको 2560 रुपया, इसमें आपको 2560 रुपया, प्रायोगिक युक्त विषय कला विज्ञान 3060 रुपया। उसके बाद अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए, कहने का मतलब है जो लोग जेपी यूनिवर्सिटी से स्नातक नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं और इस विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए वो लोग अप्लाई किए हैं, उन लोगों के लिए प्रायोगिक मुक्त विषय कला विज्ञान के लिए 2760 रुपये तथा प्रायोगिक युक्त विषय कला विज्ञान के लिए 3260 रुपया लगने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बात बताई गई है, महिला अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए नामांकन शुल्क देय नहीं होगा। अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण महिला अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को पंजीयन शुल्क 200 रुपये देना होगा, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कितना रुपया आपको लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर साथ है। चाहे आप जिस भी कॉलेज से हो सकता है कि सभी कॉलेज में तो डॉक्यूमेंट एक ही लगेगा, पैसा इधर उधर हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी आपको मैं बता इसी के अनुसार आपका एडमिशन होगा। आप सभी अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लें। फ्रेंड, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी एडमिशन होगा, कॉलेज खुला रहेगा तभी होगा, यानी कि संडे को आपका एडमिशन नहीं होगा, कार्य दिवस में ही आपका एडमिशन होगा, तो आप लोग जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। फ्रेंड, मैं एक एक करके सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया हूं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।